बदलता रहे रंग आसमां कैसे कैसे। माजी में इक्तदार के ऐवानों में बैठने वाले साबिक अफगान नायब सदर एमरुल्ला सालिया पंजशीर में भारी सामान उठाकर पहाड़ों में घूमने लगे। वीडियो वायरल हो गई। अफगानिस्तान के साबिक अव्वल नायब सदर एमरुल्ला सालिया इस वक्त अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर में हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो पंजशीर के इलाके में घूम रहे हैं। याद रहे कि तालिबान के काबू पर कंट्रोल के दिन मुजाकरात के बाद अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे और अव्वल नायब सदर एमरुल्ला सालिया के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तला'आत थी, लेकिन इनकी जानिब से यह ऐलान किया गया था कि वो अब अफगानिस्तान के कवानीन के मुताबिक सदर हैं। याद रहे कि सुबह पंजशीर शुमाली इत्तेहाद के जेरे कंट्रोल है, ताहम शुमाली इत्तेहाद के तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद अब जंग नहीं होगी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद शुमाली इत्तेहाद ने मुज़ाहमत का ऐलान किया था। तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन इमानुल्लाह का कहना था कि वादी में दाखिले के वक्त किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, ताहम वादी पंजशीर की मुज़ाहमती फोर्स के रुकन ने तालिबान के इन दावों की तरदीद की थी। मुज़ाहमती फोर्स के मुज़ाकराती वफ्द के रुकन मोहम्मदुल मास जाहिद ने बताया कि पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई दाखिल हो सका है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो संगीन नतायज सामने आएंगे, इससे जंग और गैर मुल्की मुदाखलत का रास्ता खुलेगा। जबकि दूसरी जानिब अफगान नायब सदर एमरुल्ला सालिया की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो भारी भरकम सामान उठाए पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं।